हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रेडियो धर्मिता की SI इकाई है? ऑप्शन है एम्पेयर, कोबाल्ट, बैकुरल, डेसीबल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैकुरल। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो अपने आप को जज कीजिए कि कितने क्वेश्चन का आप आंसर जो है सही किए हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है? मोस्ट इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जांघ की हड्डी। ऑप्शन नंबर सी जो है जांघ की हड्डी इसका राइट आंसर है। पके हुए केले में कौन सा प्राथमिक अम्ल होता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैलिक अम्ल। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल बेंडा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। हाइपोक्लेमिया की कमी के कारण होती है? ऑप्शन है आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, पोटासियम। तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोटासियम। पोटासियम जो है इसका राइट आंसर है। एक पेड़ के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैबियम कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने रक्त प्रवाह की खोज की थी? मोस्ट हाइलाइटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत से एग्जाम में आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले अस्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं? मोस्ट इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए धावने की श्रव्य सीमा कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? ऑप्शन हैं टाइफाइड, हाइजा, हेपेटाइटिस, कंठमाला रोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंठमाला रोग। पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी परत क्या कहलाती है? आई होप इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थल मंडल। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के दरों में प्रत्येक भाग में फैलता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इसकी व्याख्या करता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। चूने का रासायनिक नाम है? तो फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लिक्विड एंड ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ में से एक हैं, ऑप्शन से अल्कोहल, पानी, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्कोहल, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। बेसाइल कैलमेट गुएरिन, जिसे BCG वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को रोकने के लिए लगाए जाने वाला टीका है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आसवनीकरण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में कौन सा तत्व विद्यमान होना आवश्यक है? ऑप्शन है कार्बन, जस्ता, अमोनियम, आयरन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हड्डी। मानव त्वचा के बालों और आंखों के रंग देने वाले रंजक को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन था ये। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कितने क्वेश्चन का आंसर आपने किया अपने आप को जज कीजिएगा कि आपने टॉप 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।